सबसे पहले मैं पहले एकेडमिक्स में थी, आई वॉज द असिस्टेंट प्रोफेसर इन सी एस डिपार्टमेंट, और वहाँ से मेरा एंटरप्रेन्योर बनने का रीज़न ये रहा कि आफ्टर सम टाइम आई मेट विद द एक्सीडेंट, और कुछ का ज़्यादा ही मेडिकल इश्यूज थे, एक स्प्लिट फ्रैक्चर था जिसको रिकवर करने में करीब 2-2.5 साल लगा। तो उसके बाद भी मुझे आज भी डिस्कम्फर्ट है, मैं 2-3 घंटे खड़े होकर लेक्चर नहीं ले सकती। दैट वॉज द रीज़न टू चेंज फ्रॉम एन एकेडमिशियन टू अ एंटरप्रेनर। तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स आपके सामने आएंगे। आप जब मेरे सामने घर के थी मैं करती क्या, पढ़ा तो सकती नहीं थी, और उस समय प्री कोविड से पहले ऑनलाइन क्लासेस का कोई ऑप्शन नहीं था, कोई नहीं करता था, मैं करती क्या, खाली बैठ के फ्रस्ट्रेट हो रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे फादर साइंटिस्ट थे और वो रिटायर हो चुके थे, उनकी बहुत सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, तो मैंने कहा इसको एक्सप्लोर करते हैं और इसमें से कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हम बनाते हैं और उसको फिर हम मार्केट में प्रमोट करेंगे। तो वो एक डिफ़िकल्ट काम था। उसके बीच में जब हमने सारा डेटा कंपाइल कर दिया, सब कुछ कर दिया, उनका मेडिसिनल ट्रांसफर एक्सपर्टीज था, तो वो कुछ दवाइयाँ टाइप की चीज़ें बनाना चाह रहे थे, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, सिरप्स हैं, इस तरह की चीज़ें बनाना चाह रहे थे। आप बीच में कोविड आ जाता है, तो इट वॉज अ टोटल इंटरप्ट, उस समय इंटरप्ट हो गया, कुछ नहीं बन सकता था। तो और साइमल्टेनियसली काढ़ा की डिमांड आ गई, जहाँ भी आप लोगों ने सबने लाइव टेलीकास्ट देखा है इस एक्सपीरियंस का, कि हर घर में एक काढ़ा बन रहा था। अब वो काढ़ा खा के आप कोई तुलसी उबाल रहा है, कोई अदरक उबाल रहा है, कोई काली मिर्च उबाल रहा है, कोई कंपोजिशन डिफाइन नहीं है, कोई प्रोसीजर डिफाइन नहीं है। तो उसको हमने स्टैंडर्डाइज किया, लंग्स के लिए एक काढ़ा बनाया और इम्यूनिटी के लिए एक काढ़ा बनाया, और उसको फिर सबसे पहले हमने यूज़ किया, और बाय द टाइम हमने यूज़ करना शुरू किया, हमारे सोसाइटी में भी कोविड आ गया, तो आसपास के नेबर्स और पूरी सोसाइटी में लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। सबसे पहले यूज़ किया हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोज वही लोग थे। जब हमें अच्छा रिजल्ट मिला कोविड पेशेंट ने भी, उसको एज अ सप्लीमेंट यूज़ करना शुरू, फिर उस सप्लीमेंट के बाद जिन लोगों को कोविड हो गया था उन्होंने पोस्ट कोविड कंडीशन के लिए भी उसको यूज़ किया, तीनों में वो सक्सेसफुल रहा। और जब वो तीनों में सक्सेसफुल रहा तो फिर हमने उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश की। कोविड से एसोसिएटेड और बहुत सारे इशू थे, किसी का शुगर बढ़ रहा था, किसी का केराटिन बढ़ रहा था, ये सब देखते हुए हमने उसको और अच्छे से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए, 10 प्रोडक्ट्स की रेंज बन गई। फिर हमने सोचा इसको मार्केट में लेके जाते हैं। तो जो हमारा थीम लाइन है वो ये है कि हम सब लोग 24 घंटे